नहीं कि सैलरी कितनी कितनी ये तो बताओ तुम। 11,370 रुपए पीएफ सैनिक को देगा। सही है जाओ, मेरा नाम बताना वीर बहादुर सैनी, अगर भूल जाना नाम चश्मे वाला भैया मिला तो वीर बहादुर। 14,123 डेली ओवर टाइम कितने कितने घंटे का? 10 दोस्तों अभी हम हैं नोएडा में और यहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ हैं और जॉब धड़ाधड़ निकल रही हैं, तो चलिए चलते हैं अपनी कंपनियों में और सर्च करते हैं जॉब। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो यहां पर लिखा हुआ है नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, यानी इसके अंदर बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। ये गेट है, ये दो नंबर गेट है बाउंड्री का, ये फेस टू में लगता है, फेस टू 88 नोएडा सेक्टर 88 में लगता है ये। और यहां पर बहुत सारे जो लोग हैं वो अंदर जा रहे हैं, तो इसमें अंदर जाना होता है हमें। भैया भर्ती है, चेकर, लेयरमैन, और लेयरमैन है तो लेयर तो लगा लोगे? लेयर का होते हैं। लेयरमैन कितनी सैलरी है? ये लिखा हुआ है तो इतनी दूर से पूछ रहे हो बात। 12 घंटा तो क्लियर चलती है, लेकिन 8 घंटा ड्यूटी के बाद ओवरटाइम चलता है। कपड़ा पकड़ के इधर से उधर बस। हाँ तो दोस्तों नोएडा सेक्टर 88 में घूमते हुए हम पहुंचे थे C29 में, और यहाँ पर बहुत सारी भर्तियाँ चल रही थी। और ये जो फैक्ट्री है वो कपड़े बनाती है, यानी इसमें जो काम होता है वो सिलाई का काम होता है, ठीक है। तो इसमें कारीगरों की आवश्यकता थी, लेयरमैन की आवश्यकता थी, और जो हेल्पर होते हैं उनकी भी आवश्यकता थी। फिर उन्होंने जो सैलरी बताई थी वो बताई थी 12,317 रुपए, और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप हेल्पर लगना चाहते हैं, तो 11,817 रुपए ये बताई थी। और इसके बाद हम दूसरी कंपनी में गए जहाँ पर हमें एक ठेकेदार मिला, तो हमने उससे ही बात की, तो उसने भी सैलरी बताई, अच्छी खासी सैलरी बताई नोएडा में, तो वो भी आप देख सकते हैं। कितनी सैलरी कितनी कितनी दे रहे हैं भैया? बारह हजार के आसपास। अच्छा अच्छा एक बार पूछना भैया सैलरी कैसे कैसे भाई, कितनी कितनी सैलरी है? कौन जिसमें चेकर में? चेकर ये 13 बोलते हैं, ये 13 तेरे पंजाब पे 13 है, ये 13 तेरे पंजाब चारों के। हाँ वही वहाँ दोनों लग जाएगी। तो बता दो नहीं कि सैलरी कितनी कितनी ये तो बताओ तुम। 11,370 रुपये पीएफ सैनिक को देगा। सही है जाओ, मेरा नाम बताना वीर बहादुर सैनी, अगर भूल जाना नाम चश्मे वाला भैया मिला तो वीर बहादुर। अपना नंबर क्या? नंबर क्या भूल गया? नंबर डॉक्टर दिखा रहा है। दोस्तों नोएडा सेक्टर 88 में बहुत सारी भर्तियां चलती रहती हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये लाइव मैंने आपको दिखाया, जैसे कि आपको आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, तो इसलिए मैंने नोएडा जाकर ये वीडियो बनाई, और जिससे आपको पता चल सके कि जो मैं बताता हूँ बिल्कुल सही बताता हूँ। तो ये कॉन्ट्रैक्टर मिला हमें, और इसी प्रकार से बहुत सारे हमें रास्ते में भी कॉन्ट्रैक्टर मिले जिन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पर जॉब कर लो, तो मैंने उनसे बात भी की। कारीगर वगैरह कैसे 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 कहाँ पर है जॉब? बियरवेल में। बियरवेल में कितनी सैलरी कितनी है? 11,550 सैलरी, फुल ड्यूटी पर 1,000 रुपये इनाम है, और 4 घंटे का डेली ओवर टाइम है। अच्छा 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 4 घंटे का रेडी सुबह ही हो जाओ, 9 बजे ही हो जाओ। तो अब तो जी बियरवेल में। बियरवेल में क्या नंबर है? 2043-44 तो उसमें जाए तो अभी लग जाएंगे। अभी बैठो, मैं भी लगू जस्ट अभी बैठो। तो अभी तो नहीं, क्योंकि एक बंदा और है, उससे पूछ लेता हूँ, ठीक है।
14,123 डेली ओवर टाइम कितने कितने घंटे का? 840 एक छुट्टी है। पहुँच क्या नंबर में? 11 तो एक बंदा और है क्योंकि उस वो बुला रहा है हमें। अब ये तो उससे पूछना, वो बता रहा था ना। अभी जो मैंने आपको वीडियो दिखाई, तो इसी प्रकार से बहुत सारे जो कंपनियां हैं उसमें लाखों लोग काम करने जाते हैं और अपने साथ में खाना लेकर जाते हैं और वहां पर काम करते हैं। 8 घंटे का काम होता है और 4 घंटे का ओवर टाइम होता है, तो ओवर टाइम जो मिलता है वो सैलरी के हिसाब से मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप काम कर सकते हैं। और बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो कि बस की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती हैं, जिससे जिसमें बस का जो चार्ज है वो आपसे नहीं लिया जाता है, वो कंपनी का रहता है। और बहुत सारी जो कंपनी है वो कैंटीन भी प्रोवाइड कराती हैं, तो कैंटीन में बहुत अच्छा खाना भी मिलता है और उसका जो चार्ज होता है थोड़ा बहुत चार्ज रहता है, लेकिन बाहर से तो बहुत कम रहता है, ठीक है। तो अगर आप सेक्टर 88 में काम करना चाहते हैं और जॉब पाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक बार आकर आप विजिट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।